हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज आदर्श मौर्या एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन में इंग्लिश हिस्ट्री के बड़े ही वेल नोन फेमस प्ले राइटर विलियम शेक्सपियर के प्ले के डिस्कशन होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने इसके पहले विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिडी प्ले मैकबेथ पे डिस्कशन किया था। उसको समरी वाइज डिस्क्राइब किया था, उसके सारे कैरेक्टर और ट्रेजिक क्लास अब मैंने डिस्कस किया था। और आज के क्लास में हम विलियम शेक्सपियर के फोर ग्रेट ट्रेजिडी में से सेकंड ट्रेजिडी पे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है हैमलेट। और इसके पहले मैंने मैकबेथ पे डिस्कशन किया हुआ है और फुल समरी मैंने डिस्क्राइब की है अपने दो क्लास में, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और आते हैं आज के टॉपिक और ट्रेजिडी प्ले हैमलेट पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, विलियम शेक्सपियर काफी इंग्लिश हिस्ट्री के वेल नोन प्ले राइटर हैं, जिन्होंने 37 प्ले लिखा हुआ है, जिसमें से इनकी फोर ग्रेट ट्रेजिडी हैं। और फोर ग्रेट ट्रेजिडी में से आज मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया है हैमलेट पे। तो जानेंगे आज के स्टोरी के बारे में, आज की समरी के बारे में, हैमलेट में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और किसका क्या रोल है। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक हैमलेट पे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा जो ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिडी का एंड जो है थोड़ा सा मर्डर पे होता है। इसमें जो है कैरेक्टर, जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर होता है, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो आते हैं, पूरा समरी वाइज कैरेक्टर वाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर क्वेश्चन, पहले तो डिस्कशन ऐसा स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन को भी समझते चले जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। तो ये ऐसा प्ले है, इसमें भी एक ट्रेजिक फ्लॉ रहा है। वो ट्रेजिक फ्लॉ है क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को हम लोग इनडिसिसिवनेस भी बोल सकते हैं, इनएबिलिटी टू एक्ट। इनकी सवाली लाकी है टू बी आर नॉट टू बी, ये इनका इस प्ले की सवाली लाकी है, काफी फेमस है। तो अगर आपको ट्रेजिक फ्लॉ पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर इनडिसिसिवनेस। और आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसके जो है किंग होते हैं, इसका जो हीरो है प्रिंस हैमलेट है, या हैमलेट कहो या प्रिंस हैमलेट, एक ही है। इस प्ले के हीरो हैमलेट हैं। और स्टोरी स्टार्ट होती है, इनके फादर हैं किंग हैमलेट और उनकी वाइफ हैं गेट्रूड और अंकल हैं क्लॉडियस। मैंने फादर को एफ से डिनोट किया है और मदर को एम से और अंकल को यू से। तो इसको आप समझ सकते हैं, आसान वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। हीरो तो प्रिंस हैमलेट है और इनके फादर किंग हैमलेट, माता गेट्रूड एंड चाचा जो है क्लॉडियस, ये सब मेन कैरेक्टर हैं। ठीक। अपोलिनस होते हैं, जो कि इनकी गर्लफ्रेंड या फिर लवर कह सकते हैं, ओफिलिया। ओफिलिया से जो है हैमलेट प्रेम करते हैं। और इनके फादर कौन है? पोलिनस हैं। तो दोस्तों, जैसा कि स्टोरी में बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हैमलेट कम टू डेनमार्क टू अटेंड फादर फ्यूनरल, स्टोरी स्टार्ट होती है। और हैमलेट जो है जर्मनी में स्टडी कर रहा होता है और उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हुई है। और डेथ होती कैसे है? उनके फादर जो है किंग हैमलेट सोए रहते हैं और उनके कान में, ईयर में कोई पॉइजन घोल के डाल देता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। और डेथ होने के बाद ये सारी चीजें हैमलेट को पता चलता है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने फादर के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए डेनमार्क आता है। कहानी की सेटिंग किया है डेनमार्क। तो दोस्तों, इसमें जब डेनमार्क वो अपने फादर के फ्यूनरल में आता है, तो यहाँ उसको उसको एक घोस्ट दिखाई देता है, घोस्ट अपीयर होता है, जो कि किंग हैमलेट का घोस्ट होता है। और टेल्स सारी चीजें बताता है, सारी स्टोरी बताता है। मर्डर बाय फ्यूरिंग पॉइजन इन हर ईयर, उसको किस तरीके से मर्डर किया गया है। और दो तीन टाइम्स वो घोस्ट अपीयर होता है हैमलेट को, और जिससे कि वो बताने की कोशिश करता है कि उसकी डेथ नहीं हुई है, मर्डर हुआ है। और मर्डर करने वाला कोई दूसरा नहीं, उसका सगा चाचा क्लॉडियस। आप लोग, जैसा कि मैंने बताना भूल गया, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि
इस स्टोरी को समझने के लिए बॉलीवुड की एक मूवी आई थी जिसके एक्टर थे शाहिद कपूर, मूवी का नाम है हैदर। तो इसी ड्रामा, इसी प्ले पे बेस्ड मूवी है, तो आप लोग उस मूवी को भी देख सकते हैं, उससे आप लोगों को कैरेक्टर थोड़ा दिमाग में सेव हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उस मूवी को जरूर देखिएगा, और इस प्ले की थोड़ी बहुत समझी समझ में आ जाएगी। तो स्टोरी, हाँ, यहाँ घोस्ट से होती है, घोस्ट 3 बार अपीयर होता है और सारी चीजें बताने की कोशिश करता है, और वो जहां तक है कि सारी चीजें बता देता है, और जो हैमलेट है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो जानने की कोशिश करता है कि जो ये घोस्ट है सच में मेरे फादर का ही घोस्ट है कि किसी और का, और जो ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा है इसमें कितनी ट्रूथ है, और इसको जानने की कोशिश करता है हैमलेट। और जो है घोस्ट, घोस्ट बताता है कि आप रिवेंज ले सकते हैं फ्रॉम क्लाडियस, क्लाडियस से, जो आपका चाचा है और जिसने मेरा मर्डर किया है, ये घोस्ट कहता है। और इतना तो जो है घोस्ट कहता है कि टेक रिवेंज फ्रॉम क्लाडियस, क्लाडियस से रिवेंज लेना एंड स्पेयर गेट्रूड को कुछ न कहना, उसको उसका कोई दोष नहीं निकलना। और इतना कह के घोस्ट अपने डिसअपियर हो जाता है। हैमलेट प्रेटेंडिंग लाइक मैड मैन, सारी स्टोरी सुन के घोस्ट जो बताया होता है, हैमलेट ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि वो पागल की तरह बिहेव करने लगता है, पागल आदमी की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ तक आप लोगों की स्टोरी समझ में आई होगी, और आगे चलते हैं। आगे जो ये हीरो है हैमलेट, ये एक प्ले ऑर्गेनाइज करता है। अब प्ले का नाम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्ले कोई दूसरा नहीं, माउस ट्रैप है। ठीक, प्ले परफॉर्म करता है जिसका नाम माउस माउस ट्रैप है, और इस प्ले के दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं, दूसरा है द मर्डर ऑफ गोजेंगो, ये दूसरा नाम है। जो कि इसमें ये ऐसा प्लानिंग किया रहता है इस प्ले में कि जिस तरीके से उसके फादर की डेथ हुई है, वो सारी चीजें इमेजिन करके सेम उसी चीज पे ये जो है प्ले बेस है, और वो परफॉर्म करता है इन फ्रंट ऑफ क्लॉडियस, क्लॉडियस के सामने परफॉर्म करता है, टू सी द रिएक्शन ऑफ क्लॉडियस। और जब ये प्ले परफॉर्म होता है तो हैमलेट वॉच करता है अपने अंकल क्लॉडियस को, और उनका रिएक्शन जानना चाहता है। और जैसा कि सारी स्टोरी देखे बिना जो है क्लॉडियस वहां से उठ के चला जाता है, और जिससे कि हैमलेट को रियलाइज हो जाता है कि मेरे फादर का कोई मर्डरर कोई और नहीं, हमारा खुद का अंकल ही क्लॉडियस ही है, इतना तो उसको पता चल जाता है। और क्लॉडियस लीव द रूम विदाउट विविंग द होल प्ले, पूरा प्ले फिनिश नहीं हुआ रहता है कि उसके पहले ही क्लॉडियस उस प्ले रूम को छोड़ के चला जाता है, प्ले को पूरा देखता नहीं है, पूरा वॉच नहीं करता है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि क्लॉडियस ही उसके फादर का मर्डरर है, ही इज ए रियल मर्डरर ऑफ हिज फादर किंग हैमलेट। तो दोस्तों, अब आता है सीन प्रेयर का, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हैमलेट को सारी चीजें पता हो जाती हैं, और वो ऐसे सिचुएशन की कोशिश करता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन मिले जिससे कि वो रिवेंज ले सके। जैसा कि घुस्ट ने उसको बताया था कि यू कैन टेक रिवेंज, तो वो रिवेंज लेने की कोशिश करता है। एक सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ की जो है उसका अंकल क्लॉडियस प्रेयर करता है, और उस समय जो हैमलेट के दिमाग में चलता रहता है कि मैं इसका मर्डर करूं या ना करूं, इस टाइम पे अगर मैं इस टाइम पे मर्डर करता हूं तो ये तो प्रेयर कर रहा है, सीधा इसके जो है आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और सीधा हेवन में चला जाएगा। तो इस समय यह सिचुएशन सही नहीं दिख रहा है और रिवेंज लेने के लिए, और यही दिमाग दिमाग में उसके चलता रहता है। तो दोस्तों, सारी स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी, और हैमलेट डिड नॉट किल क्लॉडियस ड्यूरिंग प्रेयर, बिकॉज इफ ही किल दिस टाइम देन क्लॉडियस गॉन इन हेवन डायरेक्टली, अगर ऐसा टाइम वो अगर मारता है उसको तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मीन्स कि वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है कन्वर्जेशन स्टार्ट होता है, और वो जो हैमलेट है अपने माँ से कन्वर्सेशन करता है, वार्तालाप करता है,
और उस वार्तालाप को क्लॉडियस देखता है और उसके मन में कुछ सस्पेंस पैदा होता है और ही इज वेरी ईगर टू नो व्हाट दे आर टॉकिंग। वो बहुत इच्छुक हो जाता है कि उसका भतीजा जो है और उसकी वाइफ में क्या बात चल रही है, और वो जानने की कोशिश करता है और अपने साथी को पोलोनिया, क्या नाम है, पोलोनियस को जो है असाइंड करता है बाय क्लॉडियस टू ओवर हियर कन्वर्जेशन। पोलोनियस को जो है भेजता है कि जाओ सुन लो कि जो हैमलेट और उसकी माँ गेट्रूड क्या बातें कर रहे हैं। उसको कन्विंस करता है और पोलोनियस जो है रेडी हो जाता है और वो जाके सारी बातें सुनने की कोशिश करता है। और वो लोग जहाँ बात करते रहते हैं वहाँ एक कर्टेन लगा हुआ होता है, कर्टेन के पीछे से पोलोनियस जो है सारी स्टोरी को सुनता रहता है और कर्टेन का जो पर्दा है उसको थोड़ा हिलते देख जो है हैमलेट को डाउट होता है कि कोई और नहीं उसकी बातें क्लॉडियस जो है उसका अंकल सुन रहा है। और वहीं वो तलवार लेके जाता है और स्टैब कर देता है, तलवार से मार देता है। और ये पोलोनियस जो है कोई और नहीं इसके लवर का फादर है, ओफेलिया का फादर है, और जिसको ये स्टैब कर देता है कर्टेन के पीछे से क्योंकि वो उसको डाउट था कि उसका अंकल है जो कि मेरी बातें सुनने के लिए आया है, जबकि ट्रूथ क्या है। अब पर्दा के पीछे जब पता चलता है तो वो क्लॉडियस नहीं पोलोनियस होता है, पोलोनियस जो है उसके लवर का फादर है। ये चीज देख के वो काफी डरा हुआ रहता है और जैसे ही हैमलेट उसको मार देता है और पोलिनस की डेथ हो जाती है, और जो जो कि उसके ओफेलिया के फादर होते हैं। तो स्टोरी आप लोगों को समझ में आ रही होगी जितना मैंने बताया। और क्लॉडियस जो है हैमलेट को पनिश करना चाहता है, पनिशमेंट देना चाहता है, तो उसको डेनमार्क से एग्जाइल कर देता है। एग्जाइल मीन्स देश से निकाल देता है। और आज की स्टोरी मैं यहीं एंड करना चाहूँगा, नेक्स्ट स्टोरी कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो आप समझ लीजिएगा सर विलियम शेक्सपियर का ये प्ले कौन सा हैमलेट है, क्या है, एक ट्रेजेडी प्ले है। इसकी ट्रेजिक फ्लैग क्या है, इनडिसिसिवनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन, दोनों एक हो सकता है, अनिश्चितता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या टाल मटोल कर सकते हैं। इसकी मीनिंग प्रोक्रेस्टिनेशन की टाल मटोल होगी और इनडिसिसिवनेस की मीनिंग अनिश्चितता होगी। और इस प्ले का हीरो कौन है, प्रिंस हैमलेट या हैमलेट कहिए, और हैमलेट के फादर कौन है, किंग हैमलेट, मदर कौन है, गेट्रूड, और अंकल कौन है, क्लॉडियस, और ओफेलिया कौन है, ये प्रिंस हैमलेट की लवर है, उसके फादर का नाम पोलिनियस है जिसका ये मर्डर कर देता है अनजानी में। और हैमलेट जर्मनी में अपना पढ़ाई कर रहा होता है और उसको सूचना जाती है कि आपके फादर की जो है डेथ हो गई है। वहां आके देखता है सारी चीजें, फ्यूनरल में शामिल होता है। उसके बाद उसका जो घोस्ट है उसके फादर का उसको अपियर होता है, और अपियर होने के बाद वो कई इशारे देता है जिससे बताता है कि उसका जो है नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, बाय मर्डर उसका डेथ हुआ है, और मर्डर करने वाला कोई और नहीं उसका खुद का अंकल क्लॉडियस है। ये सारी चीजें आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही होती है। और वो जब घोस्ट अपियर होता है तो उसको कई चीजें बताता है जिसमें से वो बोलता है कि आप जो है मेरा रिवेंज लेना अपने अंकल क्लॉडियस से और अपने माँ गेट्रूड को कुछ मत कहना। ये सारी चीजें जो है घोस्ट बताता है। और इस प्ले में लगभग 3 बार अपीयर हुआ है घोस्ट, ये चीजें क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसको पता होना चाहिए। और हैमलेट सारी चीजों को देखते हुए प्रेटेंड करने लगता है पागलों की तरह, मैट की तरह। और स्टोरी यहाँ आके एक प्ले ऑर्गेनाइज करता है जिस प्ले में आपको मैंने सारी स्टोरी बता दिया है। प्ले में वही चीज वो शो करता है जो उसके फादर के साथ हुआ रहता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी आपको समझ में आई होगी और आशा करता हूँ कि आप इससे इस प्ले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा करेक्टर बेस पे तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। अगर पूछ लिया ये इंसिडेंट किस कैरेक्टर के द्वारा किया गया है तो अगर आपको शॉर्ट समरी पता है तो आप आसानी से आंसर कर लेंगे दोस्तों। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे क्लास के साथ, हमारी वीडियो वॉच करते रहिए, जरूर ही आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में और आपका नॉलेज ग्रो होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए।